केबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उद्धव ठाकरे की हुई बैठक पर चंद्रशेखर बावनकुले की प्रतिक्रिया, बावनकुले ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। नागपुर में सोनिया गांधी की ईडी जांच के विरोध में कांग्रेस का आंदोलन, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जलाया वाहन। और नीति आयोग की मंकीपॉक्स संक्रमितों को इलाज की अपील, मंकीपॉक्स संक्रमण को लेकर ना घबराने की सलाह। अब खबरें विस्तार से। आज उद्धव ठाकरे और संजय राउत की हुई बैठक पर चंद्रशेखर बावनकुले ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे ने भाजपा के बारे में जो भी कहा है वो खुद की असफलता को छुपाने के लिए कहा है। और इतना ही नहीं, उन्होंने खुद के ही विधायक पर 1,000 करोड़ रुपए के व्यवहार का भी आरोप लगाया। आप अपनी असफलता दूसरों के माथे मत मारिए, ऐसा कहते हुए बावनकुले ने प्रतिक्रिया दी। आज माननीय उद्धव जी ने त्यांच्या मुलाखती मध्ये जे भाजप बद्दल वक्तव्य केलाय, आपलं अपयश लपवण्याकरता दुसऱ्याला दोष देणे थांबवलं नाही तर पुन्हा अधोगती होईल। आज त्यांनी आपल्याच आमदारावर 1,000 कोटी रुपयाचा व्यवहार झाला असा आरोप लावला। शिवसेनेचा निवडून आलेले आमदार आहेत आणि ज्या पद्धतीने ते बोलले, भाजप मित्र पक्षांना संपवताय, नितीश कुमार असेच मुख्यमंत्री झाले नसते, एकनाथ शिंदेजी असेच मुख्यमंत्री झाले नसते, भाजप हा नियमित मित्रपक्षाच्या पाठीशी राहिला आहे। अटलजीपासून तर मोदीजीपर्यंत पूर्ण भाजपचा इतिहास बघा, भाजप हा मित्रपक्षाला मदत करत आला आहे आणि जेव्हा तुम्हाला मदत केली तेव्हा भाजप हा उत्कृष्ट होता, चांगला होता। आणि जेव्हा आता तुमच्या पायाखालची वाळू सरकली तुम्हाला भाजप वाईट वाटतो आहे। मला वाटतं आताही तुम्ही संजय राऊत साहेबांच्या ट्रॅपमध्ये येऊ नका, तुमचं अपयश तुम्ही दुसऱ्याच्या माथी मारू नका, आत्मचिंतन करा, आत्मपरीक्षण करा आणि या आत्मपरीक्षणामध्ये तुम्हाला दिसेल की माझी चूक झाली आहे। मान्य होतं की 18 महिने तुम्ही मंत्रालयात नव्हते, विधानमंडळात नव्हते, तुमची प्रकृती ठीक नव्हती, आता कुठला डॉक्टर मिळाला? तुम्ही बिना मास्कनी, आदित्य बिना मास्कनी रात्रंदिवस फिरताय, जोराजोरानं आवाज करून बोलताय। पति-पत्नी के बीच होने वाले झगड़ों में कई बार ऐसा होता है कि मामला काफी बढ़ जाता है। महाराष्ट्र के ठाणे से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक पति ने अपनी पत्नी को पीट पीट कर मार डाला। पत्नी की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने पति के लिए चावल नहीं बनाया। इसी बात से गुस्साए पति ने लकड़ी के डंडे से पत्नी को पीटना शुरू किया और मौत के घाट उतार दिया। दरअसल ये घटना महाराष्ट्र के ठाणे जिले स्थित भिवंडी की है। आरोपी शख्स की पहचान निजामपुरा भिवंडी के खूनी गांव के एक चौल से हुई है। यहां रहने वाला आरोपी शख्स कबाड़ कारोबारी है और उसका नाम 23 वर्षीय शंकर वाघमारे है। उसने 1 साल पहले 20 साल की ज्योत्सना से शादी की और ये कपल भिवंडी में रह रहा था। हालांकि स्थानीय निवासियों के अनुसार दंपति के बीच अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होता रहता था। इसी बीच मंगलवार रात को उसने अपनी पत्नी की लकड़ी के डंडे से कथित तौर पर हमला कर हत्या कर दी। निजामपुरा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। मामले के एक जांच अधिकारी पुलिस निरीक्षक अतुल लांबे ने कहा कि आरोपी मंगलवार को घर गया और पत्नी से चावल नहीं बनाने पर बहस करने लगा। दोनों में बहुत झगड़ा हुआ और ये झगड़ा काफी आगे बढ़ गया। उसने अपने पत्नी को लकड़ी के डंडे से पीटना शुरू किया जब तक कि उसने दम तोड़ दिया। पड़ोसियों ने मामले में हस्तक्षेप किया लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ज्योत्सना की खून से लथपथ मौत हो गई थी। उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस को सूचित किया। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और जांच जारी है। 1 महीने पहले नागपुर के रहने वाली एक महिला और उसकी 2 बेटियों ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया। ये बात उनके रिश्तेदारों और परिवारों के सदस्यों से छिपी रही। नागपुर में बड़ी संख्या में जब सामूहिक धर्म परिवर्तन का मामला खुला तो तीनों के भी इस्लाम अपनाने की बात खुली। अब महिला और उसकी बेटियों को कमती स्थित उनका घर खाली करने का दबाव बनाया जा रहा है। बीते दिनों कमती में धर्म का विवाद तब जोरों से उठा था जब नुपुर शर्मा के समर्थन में एक सोशल मीडिया पर एक समुदाय को निशाना बनाने वाली आपत्तिजनक पोस्ट सामने आई थी। इलाके में सांप्रदायिक तनाव हो गया था। इसके कुछ हफ्तों के बाद धर्म का मुद्दा फिर से तेज हो गया है। इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों को तनाव में डाल दिया है। कंपत्ति के सूत्रों ने कहा कि महिला के पति को लकवा का दौरा पड़ा था और आखिरकार कुछ साल पहले उनका निधन हो गया।
पति की मौत के बाद आर्थिक रूप से कमजोर परिवार बुरी तरह प्रभावित हुआ। कॉलेज में पढ़ने वाली अपनी बेटियों के साथ महिला को गुजारा करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। परिवार अपने घर के सामने एक युवा मुस्लिम दुकान के मालिक की मदद पर निर्भर होने लगा, जिसे महिला अपना बेटा कहने लगी। युवक ने परिवार को अपनी दुकान के परिसर में शरण दी है, जब तक उनका कहीं और रहने का इंतजाम नहीं हो जाता। सोनिया गांधी की चल रही ईडी जांच के विरोध में संपूर्ण राज्य में कांग्रेस की ओर से आंदोलन किए जा रहे हैं। आज नागपुर में जेपीओ चौक में युवा कांग्रेस की ओर से ईडी के विरोध में विरोध आंदोलन किया गया, जिसमें युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने निंदनीय कृत्य किया। आंदोलन के चलते एक वाहन को जलाया गया, जिसमें भीषण आग लगने की वजह से वो जलकर राख हो गया। ये आंदोलन जीपीए चौक में युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुणाल राउत इनके नेतृत्व में किया गया। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। सबका फिर से स्वागत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद विलास मुत्तेमवार ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में फंसाने की साजिश कर रही है। नागपुर में आज विलास मुत्तेमवार की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और ईडी के विरोध में सत्याग्रह किया। जब बेस्ट हेयर का मामला सिर्फ 100 करोड़ का था, तब ईडी ने केंद्र सरकार के इशारे पर 5000 करोड़ रुपए का केस बनाया है, ऐसा आरोप विलास मुत्तेमवार ने लगाया है। नागपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक विकास ठाकरे ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने देश में विपक्षी पार्टी को खत्म करने के लिए ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों से हाथ मिलाया है। ईडी द्वारा कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बाद नागपुर के संविधान चौक पर सत्याग्रह का विरोध किया गया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार और ईडी को विरोध दर्शाने के लिए हाथों पर काली पट्टियां बांधी। इस आंदोलन में पूर्व सांसद विलास मुत्तेमवार, विधायक विकास ठाकरे, विधायक अभिजीत वंजारी समेत तमाम महत्वपूर्ण पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। मला वाटतं की नरेंद्र मोदी आणि भाजपचं सरकार जे या देशातून विरोधी पक्षाला संपवण्याचं षड्यंत्र रचत आहे। आपण पाहिलं असेल की प्रत्येक राज्यातली सरकार जी दुसऱ्या पक्षाची असली त्या सरकारला खेचण्याचं तोडण्याचं काम हे मोदी सरकार करत आहे, आणि सोनियाजी, राहुलजी यांना ईडीच्या मार्फत त्रास देऊन सगळ्या काँग्रेस आणि सगळ्याच विरोधी पक्षांना एक संदेश देत आहे की आम्ही सोनियाजी राहुलजींना ईडीच्या कार्यालयात बोलू शकतो तर आम्ही कोणालाही सोडू नाही शकत। हा संदेश देऊन या देशातील विरोधी पक्ष
संपवण्याचं कट कारस्थान षडयंत्र रचत आहे, परंतु विरोधी पक्ष नसेल तर ही सत्ताधारीही बरोबर काम करू शकत नाही। या देशात विरोधी पक्ष राहील तरच सत्ताधारी बरोबर काम करू शकतील, आणि याचाच निषेध म्हणून काँग्रेस पक्षातर्फे आज देशभरात हे सत्याग्रह आंदोलन करण्यात येत आहे। मंगेश वासेकर हाल ही में रामटेक नगर पालिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में शामिल हुए हैं। इससे पूर्व वे चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी नगर पालिका सिंधवाही में मुख्य अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। इनका आज अधिकारियों द्वारा पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। नगर परिषद के प्रशासनिक अधिकारी राजेश सवालाखे, डिजाइन सहायक अनूप तुरकर, नगर निगम के अभियंता गणेश अंदुरे, कनिष्ठ अभियंता सौरभ कावले, लिपिक विजय पडोले, अभियंता अभिषेक अंबागड़े ने उनका स्वागत गुलदस्ते के साथ किया। पिछले कुछ महीनों से प्रभारी प्रमुख रहे रामटेक नगर पालिका को पूर्णकालिक अध्यक्ष मिला है। रामटेक नगर पालिका के तत्कालीन सीईओ गायकवाड़ के तबादले के बाद रामटेक नगर पालिका का अतिरिक्त प्रभार पार्श्वनी की सीईओ अर्चना वंजारी को दिया गया। उसके बाद अर्चना मेंढे को प्रभार दिया गया। पूरे विश्व पर मंकीपॉक्स संक्रमण का खतरा लगातार गहराता जा रहा है। बीते दिनों विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकीपॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित कर दिया है। इसी बीच भारत में भी मंकीपॉक्स संक्रमण के 4 मामले सामने आ चुके हैं। संक्रमण की गंभीर होती स्थिति को देखते हुए नीति आयोग सदस्य डॉक्टर वी के पाल ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी को भी मंकीपॉक्स के लक्षण हैं तो वो बिना घबराए आगे आए और अपना इलाज करवाए। 25 जुलाई को रेलवे स्टेशन गोंदिया में गाड़ी के रवाना होते ही एक यात्री अपनी पत्नी के साथ प्रवेश कर रहे थे। पुरुष यात्री गाड़ी के सीढ़ी पर लटक रहा था, परंतु महिला यात्री घसीटते हुए गाड़ी के साथ जा रही थी। वे एर्नाकुलम एक्सप्रेस की चपेट में आकर अनपेक्षित घटना की शिकार हो जाती, किंतु ड्यूटी में तैनात आरक्षक प्रमोद कुमार आरपीएफ गोंदिया द्वारा सतर्कता एवं तत्परता का परिचय देते हुए त्वरित कार्यवाही कर उक्त महिला को सुरक्षित अपनी ओर खींचते हुए प्लेटफॉर्म एवं गाड़ी के मध्य जाने से बचाया। तो वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।